तो भैया आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे पापा की परी के बारे में जिसने अश्लीलता की सारी हदों को पार कर दिया है, जिसने शर्म नाम की चीज को तो बिल्कुल उतार के रख दिया है। इसे आप सोशल मीडिया पर जहाँ भी देखोगे ये अपने लिए हमेशा लड़काई ढूंढती रहती है और पता नहीं कैसी कैसी अश्लील हरकतें करती रहती है। क्या मतलब आपको विश्वास नहीं होता तो खुद देख लो। मतलब एक लड़के की नीड है। लड़के की मतलब लड़का मतलब किस लिए बता रही हूँ, किस लिए लड़का किस लिए होता है। बड़े प्यार हो यार आप। थैंक यू। सो लड़का चाहिए मुझे जो मतलब मुझे सेटिस्फाई खुश कर सके। मतलब आपको एक लड़का चाहिए जो आपको सेटिस्फाई कर सके, खुश कर सके। हाँ। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। हाँ। मेरे को बॉयफ्रेंड वगैरह का शौक नहीं है, चाहो तो मैं बॉयफ्रेंड बना लूँ, मैं बहुत अमीर हूँ। अच्छा, तो आपको लड़का चाहिए। हाँ। जो कि आपको खुश कर सके बस। हाँ बस एक मतलब एग्रीमेंट पे लड़का चाहिए आपको। हाँ, और अगर वो पैसे वैसे जो मांगेगा मैं उसको पैसे भी दूंगी। अच्छा देख रहे हो दीदी को कैसा लड़का चाहिए। दीदी को ऐसा लड़का चाहिए जो उसे सेटिस्फाई कर सके, खुश कर सके, और दीदी के पास पैसा भी बहुत है और ये पैसा दीदी उसे देगी जो उसे खुश करेगा। अच्छी लंड में क्या बोला तूने? कंट्रोल। अबे चूतिया लड़की, अगर तुझे लड़के की इतनी ही सख्त जरूरत है तो अपने कैमरामैन को पकड़ ले, वो वैसे भी तुझ पे लाइन मार ही रहा है। मगर नहीं, ये ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि इसे वीडियो बनाकर फेमस भी तो होना है। बात तो सही है। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुझे तेरी पसंद का लड़का मिल जाए जो तेरी इन सारी इच्छाओं की पूर्ति करे। अच्छा। और हाँ, उस लड़के को भी मैं ही ढूंढ के लाऊंगा, और मैंने उसे ढूंढ भी लिया है। ये देखो गोलियां खा खा के ना मुझे रात में परेशान करता, मैं रात भर सो भी नहीं पाती। ये वाइग्रा है, वाइग्रा गोली और इंजेक्शन करता। मैं रेगुलर खाता है, चार चार घंटे में चार गोली खाता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? चार खाएं या आठ खाएं, हम तो करेंगे ही। कैसे करेंगे? करेंगे ही। अच्छा ये करेंगे? हाँ, ये करेंगे ही, चार गोली खा के। शाबाश बेटा। मैं नहीं रहना चाहती इसके साथ। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। अब तुम देख रहे हो बिनोद दीदी के नखरे। पहले तो दीदी बोल रही थी कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे सेटिस्फाई कर सके, खुश कर सके, और जब वो लड़का मिल गया है मैं उसे कठोर परिश्रम के साथ ढूंढ लाया हूँ, तो दीदी ऐसे नखरे कर रही है। समझ रहे हो? हरामी हो। अब दीदी बोल रही है कि मुझे नहीं रहना इसके साथ। मगर क्यों? ये बहुत बुरा मारता है। अच्छा। अरे दीदी, अगर आपने मुझसे ये कांड करवा ही लिया है तो आपको भुगतना तो पड़ेगा ही, तो भुगतो। अबे साले मार, साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले। मार चोक दिए भैया जी आप तो।